मित्रों, आज हम उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दर्ज तो किया गया, लेकिन उन आज़ादी के परवानों की अपने देश पर जान न्योछावर करने की उस कहानी को कहीं ना कहीं भुला दिया गया। आज एक ऐसी ही कहानी है जो पराधीनता से स्वाधीनता के स्वप्न के साकार होने की कहानी है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने वाले देशभक्त नौजवानों के शौर्य व बलिदान की कहानी है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी घटना की जिसने आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया, और ये घटना थी चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को हुई। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश के राजनीतिक हलके में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ रहा था, और उस गुस्से के बढ़ने की वजहें थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को स्वराज देने का वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने रौलेट एक्ट जैसा एक खतरनाक कानून बना दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा बड़ा नरसंहार भारतीयों के साथ किया। खिलाफत आंदोलन उनके खिलाफ चल रहा था। इन सब का मिला जुला जो गुस्सा था, इसकी वजह से गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सितंबर 1920 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे दिसंबर 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित भी कर दिया गया, और उसकी वजह से जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया गया। ये जानकारी आपके लिए विशेष उल्लेखनीय होगी कि ये पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था जो अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के रास्ते पर गांधी जी के निर्देशों के अनुसार चलाया जाना था। पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, हर विदेशी चीज का बहिष्कार करना, इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा था। इसी दौरान 2 फरवरी 1922 को भगवान अहीर, जो एक रिटायर्ड फौजी थे, चौरी चौरा के बाजार के बीच एक शराब की दुकान थी, उसे बंद कराने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने जोर आजमाइश की, कुछ प्रदर्शनकारियों को थाने में बंद कर दिया गया। यद्यपि प्रदर्शनकारी कोई हिंसक नहीं थे, वो शराब की दुकान को केवल बंद कराने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन प्रदर्शनकारियों की नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ 4 फरवरी 1922 को आसपास के रहने वाले करीब 2,500 लोगों की भीड़ थाने पर इकट्ठा हो गई। थानेदार गुप्तेश्वर पांडे ने उस भीड़ पर फायरिंग चालू कर दी, जिसमें से 3 नागरिक मारे गए। जब 3 नागरिकों की मौत हो गई तो भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा लिया। पुलिसकर्मी भाग करके थाने के अंदर छिप गए, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे और 21 पुलिसकर्मियों की अग्निकांड में मौत हो गई। थाने को जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 1857 की क्रांति के बाद चौरी चौरा का जो ये कांड हुआ, ये पहला बड़ा हिंसक प्रदर्शन था। गांधी जी को जब ये समाचार मिला, उस समय वो गुजरात के वारदोली में थे, गांधी जी हिंसा से विचलित हो गए। उनका आंदोलन अहिंसक और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन था। उन्हें लगा कि अभी भारतीय अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, अतः 12 फरवरी को उन्होंने आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 19 लोगों को फांसी की सजा और 110 लोगों को आजन्म कारावास दिया।